एक्शन। हाँ भाई 15 समोसे 15 कचौड़ी। अरे अरे भैया कंट्रोल। अरे डोंट स्टॉप बबलू, मेरा हैप्पी बर्थडे है। ओके ओके चाचा जी, गो गो गो। ठीक है भाभी जी मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है, बैठिए तो, आप पड़ोसी नहीं फैमिली है। चाचा जी के ये समोसा कटिंग सेरेमनी तो देखते जाइए बर्थडे की। हाँ भाई, और मेरी ऑल टाइम फेवरेट 2 किलो जलेबी। मैं फेवरेट यूपी से। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा यूपीआई पिन दे दो चाचा जी। अरे भाई जरा होल्ड कर। नो प्लीज, आज खाने दो ना जलेबी। अरे जलेबी ले लीजिए, लेकिन यूपीआई पिन किसी को ना दीजिए। गोपाल सुरसा, ये नाश्ता भिजवा दो, होम डिलीवरी यूपीआई से कर दूंगा। मिसेस राव प्लीज, प्लीज प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। हाँ भाई पे अटेंशन, ये कौन है जो बिजी है फोन पे? ताऊ जी। हाँ हाँ भाई जलेबी मैं भी खाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, जलेबी की बात नहीं हो रही है, यूपी की ये बात हो रही है। यूपीए से पे करना समझदारी है, लेकिन तरीके से जरा जिम्मेदारी है। सेफ्टी शील्ड करेक्ट। भाई सुनिए, आपके यूपीआई पेमेंट को सेफ रखने के लिए तरीका है, सुनिए सबके काम आएगा। पहली बात, यूपीए आईडी वेरिफिकेशन करो। जिससे पेमेंट करना है उसका यूपीआई आईडी ऐप से वेरीफाई करो। पैसा भेजने से पहले उसे चेक करो कि यूपीआई आईडी से लिंक जो नाम है वो नाम आपके बेनिफिशियरी का ही है कि नहीं। ओ, इसका मतलब जैसे ईमेल भेजने के लिए ईमेल आईडी चाहिए, वैसे यूपीआई से पैसे भेजने के लिए यूपीआई आईडी। वेरी गुड भाभी, वाह वाह मिसेस शर्मा क्या बात है। वैसे यूपीआई से पेमेंट फोन नंबर क्यूआर स्कैन करके भी तो हो सकता है ना। यूपीआई पिन सही जगह सही तरह, अपना यूपीआई पिन यूपीआई के आगे पिन पेज मेन ही एंटर करो। याद रहे यूपीआई पिन पेमेंट करने के लिए होता है, पेमेंट रिसीव करने के लिए नहीं होता। पिन एंटर मतलब पैसा कट। और अपना यूपीआई पिन किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, ना ही किसी वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म में भरें। बिल्कुल सही, लाइफ में कुछ चीजें तो सीक्रेट रहनी चाहिए। अरे भाई मेरा मतलब है जैसे एटीएम पिन किसी को शेयर नहीं करना चाहिए ना, बस एग्जैक्टली वही। थैंक यू।